सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, तो वीडियो पे इन तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियोस पे कुछ भाई लोगों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया अब आगे कौन सा बैच स्टार्ट होगा नीट 2022 के लिए, हमने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, ऐसा कुछ करके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे पिछले कुछ वीडियोज़ पे। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो कि अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं। जो लोग भी एडमिशन ले चुके हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आखिरी बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 3 दिसंबर और 8 दिसंबर को, जो कि अल्फा अचीवर और अचीवर प्लस था। तो उसमें अगर आप एडमिशन ले लिए तो बहुत अच्छी बात है, अभी से भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि आगे अभी कौन सा बैच स्टार्ट होगा, और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न आप लोगों के दिमाग में है कि अभी कोई बैच स्टार्ट हो रहा है या नहीं रिसेंटली में, मतलब लीडर अचीवर हो या अल्फा अचीवर या अचीवर प्लस, कोई भी नीट 2022 के लिए अभी कोई बैच स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, इससे रिलेटेड आप लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कोई बोल रहा है कि लीडर का स्टार्ट होगा, कोई बोल रहा है अचीवर स्टार्ट होगा, कोई बोल रहा है अचीवर प्लस स्टार्ट होगा। क्योंकि मैं जो भी कमेंट्स पढ़ता हूँ उसमें देखता हूँ कि कितना ज़्यादा मतलब कमेंट्स में आजकल चैट होने लगा, भाई लोग वहां पे चैट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे, जो भी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में सब कुछ इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आखिरी जो बैच है वो 3 दिसंबर और 8 दिसंबर को हुआ था, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन अब कोई भी बैच स्टार्ट होने वाला नहीं है, चाहे वो लीडर हो, अचीवर हो, अल्फा अचीवर हो या अचीवर प्लस हो। अभी तक का जो अपडेट है, अभी कोई भी रिसेंटली में बैच स्टार्ट होने वाला नहीं है। और अगर अभी स्टार्ट नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि आगे भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, ठीक है। तो देखिए, लीडर अचीवर जो होता है वो तो 1 ईयर का कोर्स होता है, तो वो तो होने वाला है नहीं। अल्फा अचीवर और अचीवर प्लस जो होता है वो भी स्टार्ट हो चुका है, जो भी फेज स्टार्ट होना था, ठीक है। तो देखिए, अब सिर्फ एक कोर्स स्टार्ट होगा जिसे बोलते हैं क्रैश कोर्स, जो कि 45 डेज का होता है, तो वो जनवरी या फरवरी में स्टार्ट होगा, लेकिन अभी दिसंबर में स्टार्ट होने का उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो जनवरी या फरवरी में स्टार्ट होगा, जब भी स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो बना के। लेकिन अभी फिलहाल कोई भी बैच स्टार्ट होने वाला नहीं है। जो आखिरी बैच था वो 3 दिसंबर और 8 दिसंबर को हो चुका है, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि अभी कोई भी बैच स्टार्ट होने वाला नहीं है। और आगे चल के जो जनवरी या फरवरी में जो बैच स्टार्ट होगा वो एक क्रैश कोर्स होगा, जो कि 45 डेज का होगा नीट 2022 के लिए। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी नीट 2023 का स्टूडेंट है, फेज़ 1 लीडर या अचीवर हो, इन सबका अप्रैल में स्टार्ट होता है और उसका जो डेट अनाउंस वो मार्च में हो जाता है, ठीक है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे अपलोड्स के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।